फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स माय व्यूअर्स जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक करा, शेयर करा और कमेंट करा। और आज मैं आपको इंडिपेंडेंट हाउसेस दिखाने जा रही हूँ जो कि 109 स्क्वायर यार्ड में है। इसका जो प्राइस रहेगा वो रहेगा आपका 40 लाख। तो सबसे पहले मैं आपको फ्रंट एलिवेशन दिखा देती हूँ। ये अपना जो है फ्रंट एलिवेशन रहेगा इंडिपेंडेंट हाउस का, जिसमें कि हमने बाहर से वुडन टाइल वर्क करा है, जैसे कि आप देख रहे हैं काफी एलिगेंस लग रहा है देखने में भी। एंड ऊपर भी आप देख सकते हैं हमने स्टील की रेलिंग वगैरह लगा रखी है एंड ग्लासेस वगैरह लगा रखी है। तो इसके साथ ही हम अगर एंटर करते हैं, ये आ जाता है हमारा मेन गेट और आपको ये अपना जो है पॉर्च एरिया रहता है जहाँ पे आप अपना फोर व्हीलर पार्क कर सकते हैं। और इसी के साथ ही हमने स्टेयर्स के नीचे हमें जो स्पेस रह रहा था वहां पे ये जो है ये स्टोरेज के लिए बना रखा है, ताकि आप भी अपना सामान इसी तरह से स्टोर करके रखें। और आपने देखा होगा मैंने ये वाली वीडियो पहले भी बनाई है, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें काम अनकम्प्लीट रह गया था वॉलपेपर का, तो वही लग चुके हैं वॉलपेपर, तो वो वीडियो आज मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसी के साथ ही यहाँ पे आ जाता है हमारा टू व्हीलर भी पार्क कर सकते हैं आप यहाँ पे, अगर आपको कपड़े वगैरह वॉश करने हैं तो हमने टैक्स भी दे रखे हैं। प्लीज कैमरा मैन वहां जाके आप टैक्स वगैरह दिखाइए। एंड अगर हम ऊपर की ओर देखें तो हमने ऊपर भी इसमें लाइट्स वगैरह लगा रखी है प्रॉपर। तो आइए अब चलते हैं हम अंदर की ओर। और ये हमारी जाती है रूम के लिए स्टेयर्स, रूम पे भी मैं आपको लेके चलूंगी। एंड इसके साथ ही अगर हम इस साइड को देखें तो यहाँ पे हमने वुडन का टच दे रखा है जो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, आपकी जो कोठी है उसकी लुक को एनहांस कर रहा है। और ये आ जाता है हमारा नेक डोर। एंड इसी के साथ अपने राइट साइड में है किचन एंड लेफ्ट साइड में लिविंग एरिया। तो सबसे पहले मैं आपको किचन दिखा देती हूँ। तो ये अपना है मॉड्यूलर किचन, इसमें जो है आपको यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये आपकी जो रहेगी आपके दो सिंक रहेगी, इसमें आप अपने एक में यूटेंसिल्स वॉश कर सकते हैं और रख सकते हैं सुखाने के लिए। और जो भी हमने फिटिंग कर रही है टैप्स की, वो सारी जो है सेहरा ब्रांड की फिटिंग है। इसी के साथ ही ये अपनी वेंटिलेशन के लिए विंडो प्रॉपर। एंड ये आपका आ जाता है आरओ के लिए, यहाँ पे आप इजीली अपना आरओ रख सकते हैं। एंड पॉइंट हमने यहाँ पे दे रखा है। और ऊपर अगर देखें तो वो रहेगा आपका गीजर का पॉइंट। एंड ये हमने प्रॉपर वार्डरोब्स बनाए हैं, ग्रे नाइट ग्रे का माइका यूज करा है एंड अंदर से भी हमने इसमें माइका यूज कर रखा है। अगर आप देखें, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है व्हाइट कलर का लगा देते हैं तो फिर अगर उसमें कुछ गिर जाता है या हल्दी वल्दी के दाग वगैरह लग जाते हैं तो निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हमने अंदर इसमें ग्रे नाइट ग्रे का टच दे रखा है। एंड ऊपर भी है, ओ खुलनी खाई, ये देख सकते हैं आप। इसी के साथ ही ये जो स्पेस रह रहा है यहाँ पे हमने जो है चिमनी का स्पेस है, क्योंकि आपने पहले वीडियो में भी देखा होगा किसी में जाली लगी होती है ऊपर, तो हमने इसको क्या है वुडन के माइके से इसको कवर कर रखा है और जाली इसके अंदर से है। तो प्लीज एक बार आप जाली भी दिखा दीजिए कि किस तरह से हमने इसको अंदर से लगा रखी है जाली। और जो आपकी ये टाइल्स है फ्लोर्स के साथ भी मैच कर रही है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी इसके बाद। और ये आ जाता है इस साइड भी वार्डरोब्स, यहाँ पे आप अपने यूटेंसिल्स या फिर किचन का जो भी आपका सामान है वो इजीली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं काफी ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है इसमें। और इधर भी आपके रहते हैं वार्डरोब्स, ये देख सकते हैं, यहाँ आप इजीली अपने किचन का सामान ऑर्गेनाइज वगैरह कर सकते हैं। और ये आता है आपका ग्रे नाइट ग्रे का, हमने जो है इसमें मार्बल यूज कर रखा है जो काफी ग्रेस दे रहा है आपकी किचन की लुक को। और इस साइड भी आपके रहेंगे वार्डरोब्स, यहाँ पे आप इजीली अपना जो है राइस कंटेनर हो गया, फ्लोर कंटेनर हो गया, वो इजीली स्टोर करके रख सकते हैं। ये आ जाते हैं आपके कटलरी सेट प्लस यूटेंसिल्स के लिए स्पेस। और इधर आपका लगेगा आपका क्या कहते हैं सिलेंडर के लिए, जो भी सिलेंडर रख सकता है इजीली, और काफी ज्यादा सामान आपका किचन का ऑर्गेनाइज कर सकता है। और इधर भी आपके सेम ग्लास सेट यूटेंसिल्स के लिए काफी ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है। ये सारे हमने हाइड्रोलिक कवर्स बना रखे हैं, ये आपका प्लेट सेट रहेगा। एंड इधर भी काफी ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है, देख सकते हैं। और ये आ जाता है आपका डस्टबिन एरिया। तो एक बार आप इनको टाइल्स भी दिखा दीजिए, ये ब्लैक एंड व्हाइट का टाइल का कॉम्बिनेशन हमने जो है किचन की टाइल्स के साथ मैच करते हुए लगाया है। तो ये था हमारा मॉड्यूलर किचन, इसी
के साथ ऊपर हमने जो है डाउन सीलिंग विद लाइट्स भी आपको लगवा के दे रहे हैं, वार्म लाइट्स जैसे कि आप देख रहे हैं। और अगर हम इससे लेफ्ट साइड की बात करें, ये आ जाता है हमारा लिविंग एरिया जो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। इसी के साथ ही आपके इससे राइट साइड में रहेगा आपका LCD पैनल, वुडन टच दे रखा है हमने। यहाँ पे आप इसे भी अपने जो भी डेकोरेटिव आइटम वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यहाँ आपकी इजीली 32 इंच की LCD रख सकते हैं। और ये आपका रहेगा मंदिर जहाँ पे आप पूजा वगैरह कर सकते हैं। और ये आपका यहाँ पे सामान, पूजा वगैरह का सामान कुछ भी स्टोर करके रख सकते हैं। और इस साइड भी हमने कवर्स वगैरह बना रखे हैं। और ये नीचे भी स्पेस है आपके लिए, काफी ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है। और इसी के साथ ही इस साइड को रहेगा आपका वॉलपेपर जो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। और ऊपर देखिए तो आपको AC का प्रोविजन भी हमने ऊपर दिया है। इसी के साथ ऊपर देखिए तो आपको मिलेगा डाउन सीलिंग विद लाइट्स, ब्लू वार्म लाइट्स। और इस साइड को यहाँ पे हमने जो है हॉल में एक अपना वॉश बेसिन, फैंसी वॉश बेसिन कह सकते हैं आप, ये काफी ज्यादा इसमें नीचे भी अंदर यहाँ पे भी स्टोर वगैरह कर सकते हैं आप अपने हैंड वॉश वगैरह, सोप वगैरह, बहुत सारी चीजें। और हर घर के लिए जरूरी होती है वेंटिलेशन, जो कि विंडो ये देख सकते हैं काफी ज्यादा बड़ी विंडो है, ये आपकी रहेगी वेंटिलेशन के लिए विंडो। इसी के साथ हम चलते हैं अपने वॉशरूम की ओर। ये अपना जो है वॉशरूम रहेगा, एक्चुअली अभी इसमें लाइट्स नहीं है तो वो भी लग जाएगी। और इसमें आपको गीजर का पॉइंट, शावर का पॉइंट, ये सारी चीजें। और ये वेंटिलेशन के लिए विंडो, ये आपका वॉश बेसिन आ गया। और इस साइड को कॉलर, जो भी हमने बाथ फिटिंग कर रखी है वो हमने जो है सेरा ब्रांड की कर रखी है, फुल हाइट तक टाइल वर्क रहेगा। और नीचे हमने जो है वॉशरूम में जो भी हम टाइल्स लगाते हैं वो हम एंटी स्लिप टाइल्स लगाते हैं ताकि उसमें आपको फिसलने का डर ना रहे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अभी तक अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करें। और इसी के साथ ही हम चलते हैं फर्स्ट बेडरूम की ओर। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है, एंटर होते ही ये आ जाता है आपका इस साइड को बेडरूम। यहाँ पे आप इजीली अपना डबल बेड वगैरह लगा सकते हैं। और ये हमने स्विच दे रखे हैं ताकि आप चार्जर के लिए आपको उधर ना जाना पड़े, इजीली आप यहाँ से चार्ज कर सके। और इधर रहेगी आपके कबर्ड्स, जो स्लाइडिंग कबर्ड्स हैं, यहाँ पे आप इजीली अपने क्लोथ वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है एंड फुल हाइट तक है। ऊपर वाले मैं खोल नहीं सकती हूँ बिकॉज मेरी हाइट बहुत ज्यादा छोटी भी नहीं है, मतलब ठीक है। और इस साइड को भी हमने कबर्ड्स दे रखे हैं, ये सारे अपने जो है स्लाइडिंग डोर्स रहेंगे कबर्ड्स के। और इससे को देखिए तो ये रहेगा आपका LCD पैनल जो कि हमने ग्रे प्लस ब्राउन कलर का माइका लगा रखा है, काफी ज्यादा ग्रेस दे रहा है आपके LCD पैनल के लिए। और यहाँ पे भी आप अपने डेकोरेटिव आइटम वगैरह रख सकते हैं इजीली। और यहाँ पे भी आपकी LCD लग जाएगी, 32 इंच की होगी या 42 इंच की। और इसी के साथ ऊपर देखे तो आपको मिलेगा डाउन सीलिंग विद लाइट्स। और सॉरी मैंने ये वॉलपेपर आपको दिखाया नहीं, तो ये अपना जो है वॉलपेपर रहेगा। और इसी के साथ ही आपको प्रोविजन दे रखा है AC का, तो इसी के साथ आपका आ जाता है अटैच वॉशरूम। ये आपका अटैच वॉशरूम, इसमें आपको जो है फुल हाइट तक टाइल्स, ये सेम एज इट इज आपको प्रोवाइड होगा। और इसी के साथ ही हमने जो है वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे विंडो दे रखी है, ये आपकी विंडो रहेगी। और ये आ जाता है आपका वॉशिंग एरिया, काफी ज्यादा वेंटिलेशन है, पीछे से हमने जो इसको जाली से कवर कर रखा है। सेकंड बेडरूम इसमें भी सेम आपको एज इट इज प्रोवाइड होगा, ये
देख सकते हैं, यहाँ पे आप बेड वगैरह इजीली प्लेस कर सकते हैं, पीछे वॉलपेपर एंड ऊपर आपको एसी का प्रोविजन एंड ये आपके स्लाइडिंग कवर्ड। फुल हाइट तक हमने कवर्स दे रखे हैं और ये आ जाता है आपका एलसीडी पैनल। यहाँ पे आप इजीली अपने डेकोरेटिव आइटम वगैरह रख सकते हैं, एलसीडी रख सकते हैं, सेम एज इट इज। और ऊपर आपको मिलेगी डाउनस्ट्रीम विद लाइट्स और ये आपकी वेंटिलेशन के लिए विंडो एंड इस साइड को रहेगा आपका वॉशरूम। ये भी आपको एज इट इज प्रोवाइड होगा वॉशरूम। एक्चुअली ये वही वाली वीडियो है जिसमें वॉलपेपर का वर्क जो है अनकम्प्लीट था, तो वॉलपेपर हमारे लग चुके हैं ऑलमोस्ट, तो अभी ये कम्प्लीट हो चुकी है। तो ये हमारे सिंगल स्टोरी हाउसेस था 109 स्क्वायर यार्ड की एंड इसका जो प्राइस है वो 40 लाख है और ये अपना मोहाली के साथ खरड़ में लोकेटेड है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो इंडिपेंडेंट हाउसेस की तरफ तो प्लीज मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर मेंशन कर दूंगी, वहां पे आके आप मुझे कॉल कर सकते हैं या हमारी साइट विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको घर बनाना है तो आपने मेरी वीडियो देखी होगी फाउंडेशन की, जिसमें पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री ऑलमोस्ट आ चुका है। वो हमारा था अंडर कंस्ट्रक्शन की कैसे करके हम घर बनाते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आजकल मुझे व्यूज थोड़े कम आ रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा होगा आजकल मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल रही, तो आजकल मैं ही रेगुलर वीडियो डाल रही हूँ, थोड़ा सा डिले हो गया था। तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करना ना भूलें। प्लीज हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। और कल दिखाऊंगी मैं आपको 108 स्क्वायर यार्ड की इंडिपेंडेंट हाउसेस, जिसमें कि वो एसी का काम थोड़ा सा रह गया था, वो भी ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया और उसमें फर्नीचर भी ऑलमोस्ट लग गया है, वो वाली वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और नमस्ते।